जेएंडके की अपकमिंग वैकेंसी की बात करूं तो आप सारे जानते हो कि आपकी सबसे पहले आने वाली पोस्ट जो आप देखोगे इसी नेक्स्ट जून के मंथ में, अपकमिंग जो जून मंथ है जी, उसमें आप देखोगे कि 10-15 तारीख तक मे भी आपके अकाउंट असिस्टेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए जम्मू के लिए। इसके बाद अपकमिंग पोस्ट अगर मैं जेएंडके के लिए बात करूं तो आप लोग जैसे जानते हो जी जेके बैंक, अगर मैं बात करूं आरी की, या बात करूं एसोसिएट्स की, मतलब पीओ और क्लरिकल। इसके अलावा आप लोग एक बात और जानते हो, जम्मू में अभी आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने कहा था थोड़े दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जम्मू में अपकमिंग कम से कम 10,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। जो वैकेंसी उन्होंने डिफाइन की है वो टोटल 19 डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने बताया कि किस किस डिपार्टमेंट में हमें रिक्रूटमेंट करनी है। तो आप देख लो ह्यूज नंबर ऑफ डाटा है जो अपकमिंग जम्मू के लिए पोस्ट रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर की, आप लोग जैसे जानते हो, आप काफी सारे YouTube पे देख रहे होंगे, सब इंस्पेक्टर की पोस्टें आने वाली है जम्मू में जल्दी। अगर मैं बात करूँ जेकेपी कॉन्स्टेबल की, जल्दी ही पोस्ट देखने को मिल रही होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसी के पहले सेंटर की तरफ, तो आप लोग एक बात को और ध्यान में रखो यार, जो IBPS है ये साल की स्टार्टिंग में ही अपना कैलेंडर आउट कर देता है जी। और आप लोग एक बात को और जानते हो, अगर आपने कैलेंडर में देखा होगा तो अगस्त के मंथ में RRB PO का एग्जाम लिया जाएगा और साथ ही उसी मंथ के लास्ट वीक में RRB क्लर्क का एग्जाम लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं अक्टूबर के मंथ में आप देखोगे IBPS PO का एग्जाम लिया जाएगा जो प्री एग्जाम होगा, और इसके बाद दिसंबर में आप लोग देखोगे यार अगेन IBPS क्लर्क और SO। तो अब ये नहीं बोल सकते यार वैकेंसी नहीं आ रही। अगर मैं बात करूं जम्मू रीजन के लिए स्पेशली, तो आप लोग देख रहे हो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने कहा है कि अप्रोक्स 10,000 बहुत ही बड़ा एक नंबर है जो आपको लेटेस्ट, आप देखोगे यार जब लॉकडाउन खत्म होगा ना तो ये एक साथ वैकेंसी आएगी। और जो स्टूडेंट अब सीरियस होके एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, तो और एक वो स्टूडेंट जो बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहा, तो तैयारी करने वाला स्टूडेंट 2 मंथ के बाद अपने आप को एक अलग ही, मतलब कहने का मतलब काफी दूर पाएगा, काफी पढ़ चुका होगा वो, और जो वो 2 मंथ के बाद तैयारी करना शुरू करेगा तो वो कहां आपकी बराबरी कर लेगा जी। तो वही बात मैं समझाने जा रहा हूं। और हमारे पास ये जो बैच हम शुरू कर रहे हैं, और ये देखो ना जून का मंथ चलेगा इस बैच के साथ, जुलाई चलेगा और अगस्त, 3 मंथ में हम बैच को खत्म करने कर रहे होंगे। और ये सारे के सारे पेपर अगर मैं बात करूं जिन एग्जामों में रीजनिंग पूछी जा रही है, तो उन सबको देखते हुए जैसे लास्ट वीडियो में